नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि इंदौर मेट्रो रेल के 31 किलोमीटर के रूट पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन मेट्रो का नेटवर्क आसपास के उपनगरों से भी जोड़ा जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके लिए निर्देश दिए थे। BRTS को भी मेट्रो रूट में शामिल किया गया है। इसे राजीव गांधी चौराहे से आगे आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ा जाएगा, ताकि महू और पीथमपुर तक यात्रियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल सकेगी। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों का मानना है कि शहर में सबसे ज्यादा यात्री BRTS रूट पर मिलते हैं और पीथमपुर तक हजारों लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। ऐसे में इस रूट पर मेट्रो ट्रेन ज्यादा उपयोगी साबित होगी। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जब 7 साल पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की फिजिबिलिटी सर्वे किया गया था, तो रिपोर्ट में विजयनगर से भंवरकुआं तक के हिस्से को मेट्रो के लिए उपयोगी माना गया था, लेकिन तब भोपाल के कुछ अफसरों ने इसे मेट्रो रूट में शामिल न किए जाने का मुद्दा उठाया था, क्योंकि तब BRTS कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब BRTS पर त्रिसेत्र मार्ग की कार्य योजना तैयार हो रही है, जिसमें सड़क पर मिक्स ट्रैफिक, पहली मंजिल पर सिटी बस और दूसरी मंजिल पर मेट्रो का ट्रैक बनेगा, लेकिन मेट्रो के स्टॉपेज BRTS पर कम रहेंगे, ताकि BRTS का संचालन प्रभावित ना हो। यहां मेट्रो ट्रेन लंबी दूरी तक यात्रा करने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस रूट के ट्रैफिक सर्वे के लिए अर्बन मास ट्रांसपोर्ट कंपनी के दल इसी माह इंदौर आएंगे, यानी कि जनवरी 2022 में इंदौर आएंगे। मेट्रो के इस रूट के लिए नेशनल हाईवे के मध्य हिस्से को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये मार्ग सीधे पीथमपुर से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडरों की चौड़ाई 4 मीटर से ज्यादा है। यह पिलर निर्माण कर मेट्रो का संचालन आसानी से किया जा सकता है और अतिरिक्त जमीन लेने में भी सरकार को परेशानी नहीं आएगी। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से पीथमपुर में नौकरी के लिए इंदौर से 45,000 से ज्यादा लोग डेली अप डाउन करते हैं। बाईपास पर 45 से ज्यादा उपनगरी बसें, इंदौर से 125 से ज्यादा ट्रेवल वाहन कर्मचारियों को लेकर पीथमपुर जाती है, जबकि हजारों लोग अपने निजी वाहन से भी महू पीथमपुर तक रोज आना जाना करते हैं। भविष्य में पीथमपुर तक मेट्रो रूट बनने से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पीथमपुर रूट के सर्वे के लिए टीम आने वाली है। जनवरी 2022 में पीथमपुर रूट का सर्वे किया जाएगा। BRTS पर त्रिस्तरीय मार्ग पर प्रस्तावित मेट्रो रूट को राजीव गांधी चौराहे से आगे पीथमपुर तक जोड़ने की योजना है। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे ही हमको यहाँ की और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।